नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरणा और गर्ल्स लाइफ एकेडमी इंडिया इस कार्यक्रम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। क्या ये सच नहीं है दोस्तों कि हम सभी लोग जीवन में कामयाब होना चाहते हैं? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपका परिचय सफलता के कुछ दोस्तों से करवाने जा रही हूँ, जो आपको कुछ रहस्य बताएंगे। अगर आप इन दोस्तों को हमेशा अपने साथ रखेंगे तो आपको सफलता तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको जीवन में कुछ उल्लेखनीय हासिल करने की इच्छा है या फिर आप जीवन में कभी असफल हुए हो तो बड़े ध्यान से इस दोस्त की बात सुनो जो कहते हैं, हिम्मत मत हारो, एक बार फिर से प्रयास करो। इस प्रेरक चर्चा को आदरणीय वेंकटेश चक्रवर्ती जी ने लिखा है और ये उनकी किताब When Things Go Wrong, Do Something Right इस पर आधारित है। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की इस प्रेरक चर्चा को इस प्रेरणा भरे गीत से। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। दोस्तों क्या आपको असफल होने का डर है? मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो आपका जीवन बदल देगा। इस एक बात को हमेशा याद रखें, आप तब तक कभी असफल नहीं हो सकते जब तक आप एक बार फिर से प्रयास नहीं करते। मैं फिर से कहती हूँ, आप तब तक कभी असफल नहीं हो सकते जब तक आप एक बार फिर से प्रयास नहीं करते। यही जीवन में सफलता की कुंजी है। तो शुरुआत करते हैं एक कहानी से। प्राचीन ग्रीस में एक युवक था जो एक महान वक्ता बनना चाहता था। जब उसने पहली बार बहुत सारे लोगों के बीच स्टेज पर भाषण दिया तो लोगों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई। युवक अपनी नाकामयाबी पर बड़ा ही दुखी और निराश हुआ। उसने उदास होकर सोचा, क्या मुझे अपना सपना भूल जाना चाहिए? उसे पता था उसकी आवाज अच्छी नहीं है, ना ही वो स्पष्टता से बोल पाता है, ना ही उसकी आवाज में भावुकता है और ना ही भाषण योग्य आवाज की उतार चढ़ाव। अपनी कमियां जानते हुए उसके लिए हार मानना बहुत ही आसान था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो उसने क्या किया? वो एक गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि वो अपनी आवाज सुधारने के लिए और एक महान वक्ता बनने के लिए क्या करे। गुरु ने उसे कुछ हिदायतें दी और अभ्यास की बातें बताई। लड़के ने गुरु की सारी बातें ध्यान से सुनी। उसने एक शांत जगह खोजी जहां वो रोज जाकर अभ्यास करने लगा। कई महीनों तक वो लगातार बिना थके मेहनत करता रहा। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए वो समुन्दर की लहरों की गर्जना के सामने अभ्यास करता। अपनी आवाज में स्पष्टता लाने के लिए मुंह में कंकड़ डालकर अभ्यास करता था।
वो इस प्रकार घंटों और महीनों तक लगातार प्रयास करता ही रहा। उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक वो सफल नहीं हुआ। आखिर उसे एक महान वक्ता बनने का सपना जो पूरा करना था, क्या वो कामयाब हुआ? इस तरह का दृढ़ निश्चय, साहस, परिश्रम और प्रयास के साथ असफल होने का कोई सवाल नहीं है। उसे कामयाब होना ही था। ये युवक जिसने बिना हार माने कठोर परिश्रम किया, वो एक विख्यात वक्ता बना। ग्रीस के इस विख्यात व्यक्ति का नाम था डेमोस्तनीज। याद रखे, असफलता सिर्फ थोड़ी देर की होती है। जो लोग हार नहीं मानते और प्रयास करते हैं, वो कभी भी असफल नहीं होते। इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो यही है कि अपना लक्ष्य निश्चित करें, और दूसरी बात किसी ऐसे व्यक्ति या बड़े से सीखे जो आपका मार्गदर्शन कर सकता हो, और तीसरी बात निरंतरता के साथ रोज अभ्यास करने की आदत डाले, और चौथी बात तब तक ना रुके जब तक आप सफलता तक नहीं पहुंचते, और पांचवी बात ऐसे करते हुए आप जिस किसी भी काम को कर रहे हैं उसमें श्रेष्ठता तक पहुंच सकेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जन्म सफलता प्राप्त करने के लिए हुआ है। जीवन में सबको कठिनाइयां आती है, पर जिन्हें सफलता का राज पता होता है उनकी हमेशा जीत ही होती है। और राज ये है कि हमेशा प्रयास और मेहनत करें जब तक कामयाबी ना मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो सफलता हमेशा आपका इंतजार करेगी और आपके जीवन में जरूर आएगी। मैं आभारी हूँ वेंकटेश सर जी की, जिन्होंने सफलता के इस गूढ़ रहस्य की चर्चा की। मैं आभारी हूँ आरती नाइक जी की, जिन्होंने मुझे इस प्रेरक प्रसंग को पेश करने का मौका दिया। मैं जल्द ही ऐसी ही एक दूसरी प्रेरक चर्चा के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। अलविदा। जिंदा है तू, जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तू, जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है।